सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार इंटरनेट तो हम सभी यूज करते हैं और ऐसे में काफी मजा आता है भैया जाके गूगल सर्च करने में, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जिसको आप नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं दोस्तों यहाँ पे आप उसको स्टैंडर्ड अपने गूगल क्रोम से यूज कर पाएंगे। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ डार्क वेब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑल्दो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी डीप वेब और डार्क वेब के ऊपर, तो यहाँ पे यार क्योंकि आपके बीच बीच में काफी डिमांड आती रहती है कि आखिर डार्क वेब क्या होता है, क्या वो इलीगल है या नहीं है, कैसे जा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगा कि यार एक बार दोबारा से थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे हम जिक्र करते हैं इसी डार्क वेब का और थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर डार्क वेब क्या है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, अगर आपसे बात करता हूँ नॉर्मल इंटरनेट की, तो आप जाते हैं गूगल पे या फिर आपके फेवरेट सर्च इंजन पे। अब वैसे गूगल के अलावा फेवरेट कोई होगा तो क्या कहें, लेकिन यहां पर दोस्तों आप डालते हैं अपनी सर्च क्वेरी, आपको मिलते हैं रिजल्ट्स, आप दोस्तों वहां पे किसी भी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, आप इंटरनेट को बड़े आराम से ब्राउज कर पाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों सारा जो इंटरनेट है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे दोस्तों जितने भी वेब पेजेस हैं, वो सभी आपको एक सर्च क्वेरी के दौरान नहीं मिल पाएंगे। यहां पर दोस्तों दो चीजें छूट जाती हैं पीछे, एक इसको हम कहते हैं डीप वेब, एक जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। अभी बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भैया दोनों एक ही चीज है, डीप वेब या डार्क वेब मतलब मिला के एक ही चीज। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां पे डीप वेब का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक अकाउंट को दोस्तों देख रहे हैं ऑनलाइन लॉग इन करके, तो वो जो आपका अकाउंट वाला पेज है, या फिर दोस्तों सिंपल अगर आपसे बात करता हूं कि आप जो है वो ऑनलाइन अपनी कोई हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं, तो ये सभी चीजें गूगल सर्च पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको लॉग इन करने के बाद में आपको आपके पेज पे दोस्तों दिख रहा है। तो मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो इंटरनेट है, इसको हम कहते हैं डीप वेब, जहां पर दोस्तों मेडिकल रिसर्च हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के काफी अपने खुद के जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ये हो गया डीप वेब। अब यहां पे अगर आपसे बात करता हूं डार्क वेब की, तो जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब पहली बात तो ये कि आप दोस्तों यहां पे इसको सिंपल गूगल क्रोम या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी और ब्राउजर से नहीं जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर दोस्तों जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो एंडिंग होती है ना वो होती है डॉट ऑनियन से। मतलब होता है ना जैसे कि टेक्निकल गुरुजी डॉट इन या डॉट कॉम या दोस्तों ऐसा कुछ मिलती है स्टैंडर्ड एंडिंग्स, यहां पर दोस्तों डोमेन्स होती हैं वो एंड करती हैं डॉट ऑनियन से, और ये उसी ब्राउजर में दोस्तों आप देख पाएंगे जो अपने आप में काफी सिक्योर और काफी एडवांस्ड है। तो स्टैंडर्ड अगर दोस्तों आपको मतलब गूगल क्रोम में ट्राई करेंगे तो आप इन वेबसाइट्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहां पर आप सोच रहे हैं कि ऑनियन मतलब ऑनियन भैया क्यों, प्याज से इसका क्या लिंक है? तो यहां पर दोस्तों जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही यहां पे जो डार्क वेब का कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि भाई जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो यूजर्स भी वहां पे आ रहे हैं वो कंप्लीटली अनोनिमस रहें, और इसके लिए एक बहुत दोस्तों पॉपुलर ब्राउजर जिसका नाम है टॉर यानी कि द ऑनियन राउटर, ये ब्राउजर के थ्रू ही आप ऑनियन वेबसाइट्स ओपन कर पाएंगे। बिकॉज यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि बहुत सारी नोड्स को काम में लिया जाता है, जो डेटा है वो बहुत सारी जगहों से बाउंस होने के बाद में उसको पहुंचता है फाइनली। तो मतलब ऐसे में आप जो है मतलब एज ए यूजर अनोनिमस रहते हैं, जो सामने वेबसाइट है वो भी अनोनिमस है, और उसके बाद में आप डार्क वेब को यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉर ब्राउजर या फिर ऐसे ही और कुछ स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स हैं उनके थ्रू, जहां पे टॉर काफी पॉपुलर है। अब यहां पर दोस्तों सवाल ये कि यार डार्क वेब में क्या होता है, क्या डार्क वेब यूज करना इलीगल है? जी नहीं दोस्तों, डार्क वेब यूज करना इलीगल नहीं है, ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो लोकल लेजिस्लेशन क्या कहता है। बिकॉज यहां पर दोस्तों कुछ कंट्रीज में अनोनिमस रह के इंटरनेट को यूज करना इलीगल है, फॉर एग्जांपल दोस्तों चाइना की बात करता हूं आपसे, तो वहां पे जो सेंसरशिप है इंटरनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे इनफैक्ट एक वीपीएन यूज करना या फिर ऐसे टॉर ब्राउजर वगैरह यूज करना वो इलीगल है। तो मतलब अगर आपने वो भी यूज किया तो इनफैक्ट आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री में है वहां के लॉज क्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ टॉर ब्राउजर
ब्राउजर यूज करना इलीगल नहीं है। मैं भी इनफैक्ट कई बार टॉर ब्राउजर को यूज करता हूँ एक्सटेंडेड काम करने के लिए भी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ डार्क वेब की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब आपको बोलूंगा तो काफी सारे इलीगल काम होते हैं ऐसे में दोस्तों। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो लोग खरीदते बेचते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हैकर्स वगैरह हैं, वो जो डेटा है कहीं से कुछ चुराया है तो वो बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के डंप्स होते हैं वो बहुत बेचते हैं। तो मतलब अलग अलग दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है ना वो काफी हद तक इलीगल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क वेब कंप्लीटली इलीगल है। कुछ दोस्तों वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहां पे आप जाके नॉर्मल दोस्तों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं तो यहां पे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह मिल सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस मकसद से जा रहे हैं, यहां पर दोस्तों बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन खतरनाक चीज है, मतलब नॉट फॉर एवरीवन, और आपके लिए भी मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप जाके डार्क वेब में जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप जब जाते हैं टॉर ब्राउजर में, उसके बाद में भी मालूम नहीं होता है कि भाई हम कहाँ जाएं। ब्राउजर आ गया लेकिन वेबसाइट तो नाम मालूम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हिडन विकी है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं जो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स है उनके बारे में मालूम चलता है। लेकिन ऑल टुगेदर सिंपल सी बात कि एक नॉर्मल यूजर के लिए डार्क वेब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोस्तों सिंपल अपनी सुविधा के लिए VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड जो आप करते हैं चीजें ब्राउज क्रोम में उनको थोड़ा सा आप और सिक्योर बना सकते हैं। इसके अलावा डार्क वेब जो है वो एक एज अ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि मतलब चीज क्या है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। और ऐसे में दोस्तों जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत बार मतलब कोशिश करती हैं कंट्रोल करने की, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रगल करती है, बिकॉज यार इतनी सारी दोस्तों नोड्स के थ्रू डेटा जब आपको जाता है मतलब घूमता फिरता हुआ, तो ऐसे में यूजर्स जो है वो अनोनिमस, जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो अनोनिमस। और ऐसे में दोस्तों इनफैक्ट यहां पे जो बहुत बार मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्वर है जो काम में ले जा रहा है किसी वेबसाइट के लिए, वहां पे भी अगर पहुंच गए तो वो मतलब डेड एंड बन जाता है, बिकॉज यहां पे ये दोस्तों ऐसी जगहों पे होस्टिंग करते हैं जहां पे जो लोकल लॉज हैं वो उनके फेवर में होते हैं, तो मतलब अथॉरिटीज भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती हैं, और इसीलिए चीज आज भी चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड इंटरनेट क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। डार्क दोस्तों बहुत बार जो है वो ब्लैक वेब या फिर ब्लैक नेट भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको डार्क वेब बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डीप वेब के कंपैरिजन में। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वहां पे ना ही जाएं तो बेहतर। हाँ, आप अगर चाहें तो आप टॉर ब्राउजर को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेसिकली एक मोज़िला का ही जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आप इसको यूज करेंगे और अगर आप इसको यूज करने के बाद में कोई एक स्टैंडर्ड काम भी करते हैं जो मतलब आप नॉर्मल अपने क्रोम में करते होंगे, तो ये काफी हद तक काफी ज्यादा सिक्योर होगा। थोड़ा स्लो होता है बिकॉज यहां पर जो डेटा है वो काफी राउटिंग के बाद पहुंचता है, लेकिन ऐसे में बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड ब्राउजर है, मतलब मैं भी इसको बहुत बार पर्सनली यूज करता हूं। लेकिन डार्क वेब से बचे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बस यही था फिलहाल इस वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।